एवं नित्याल नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसिमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसिमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरण कमलों में मेरा यथाथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। अभी अभी आप लोगों ने नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसिमद भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज के अपराकृत जीवन चरित तथा उनकी शिक्षाएं आदर्श आदि आप लोगों ने श्रवण किया, जिसे विशेष करके हमारे गौड़ीय वेदांत समिति के प्रकाशक नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसिमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उनसे सन्यास भी लिया है। ये किस प्रकार व्यक्तित्व और उनकी स्वभाव हरिकथा आदि आप लोगों ने श्रवण किया, विशेष करके जहाँ जहाँ पर बड़ी बड़ी सभा होती थी उस सभा में जाकर के शिला भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज कैसे सुंदर प्रवचन आदि देते थे। यहाँ तक भी सुना भक्ति शांत प्रभुपाद जब अप्रकट लीला प्रकाश कर रहे थे तब उनके पास अनेक तो कीर्तनिया भी थे जो सुंदर रूप से कीर्तन आदि करते थे ताल लय में, किंतु प्रभुपाद ने कहा ये जब वो कीर्तन करने के लिए बोले कह श्री रूप मंजरी पद सही मोर संपद, तब उन्होंने बोले श्रीधर महाराज के बोलो कीर्तन कर। श्रीधर महाराज कीर्तनिया नहीं थे एक्चुअल है, हमने भी सुना जो वक्ता होते हैं वो कीर्तनिया नहीं होता है, जो कीर्तनिया होते हैं वक्ता नहीं होता है, ज़्यादातर देखा जाता है, है? अब देखो जो मैं ये भी हो सकता है वो भी होता है जो कीर्तनिया वक्ता दोनों एक हो सकता है, किंतु अधिक रूप में देखा जाता है जो वक्ता होते हैं है? वो अच्छा कीर्तन कर नहीं पाते हैं, ज़्यादातर क्या है ज़्यादा करके ऐसे अक्सर ऐसे अभिशक्त बहुत है, कोई कहे कहें आप लोग कहें भाई हमें अच्छा भी वक्ता भी हूँ अच्छा भी कीर्तन भी हूँ कर्तकीर्तन है गुरुदेव जो है अच्छा है, तभी गुरुदेव कहते थे मैं नहीं करता था थोड़े कोई कोई करता था, ऐसे हम लोग भी सुना है आज, क्योंकि बहुत लोग है क्योंकि उसके कीर्तन वक्ता दोनों में ये पड़ जाता है अलग हो जाता है, अब दोनों ही जो है अब फिर दोनों वक्ता और कीर्तन दो भी हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है, है? तो मैंने सुना ये श्रीधर महाराज भक्ति रखकर श्रीधर महाराज कीर्तन देते नहीं थे, कहीं अपराध न हो जाए भाई महाभागवत ये सब इनके बारे में कुछ थोड़ा सा ही उधर उधर जिहा हो जाए तो अपराध हो जाएगा है, क्योंकि जैसे हमने वैष्णव से सुना केवल उसकी मैं बोल रहा हूँ, इससे हमारे कोई दोष नहीं है, आया समझ में, किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत तो प्रभुपाद ने बोले उनके बोले आप तुम कीर्तन करो है श्री रूप मंजरी पद सही मोर संपद है, देखो क्योंकि उसमें भी लिखते हैं जी कीर्तन की स्वर लय ताल मान आदि के ऊपर नहीं दे करके भावों के ऊपर दे देना चाहिए है, क्योंकि भगवान क्या ग्रहण करते हैं आपका भावग्राही जनार्दन है, भगवान वा गुरु वैष्णव आपके देखते हैं आप कैसे भावों की अभ्यक्त कर रहे हैं, मूर्ख बदती
विष्णवे नमः, विष्णाय नमः, और धीरो वदति विष्णवे नमः, उभयंतु समं है। तो तात्पर्य क्या है? आप जिसी भाषा में जो भाषा में भावों के ग्रहण करना है। हमने सुना परम गुरु महाराज कभी श्लोक या पूरा नहीं बोलते थे, है? उनके भी प्रवचन कभी कभी सुनता रहता हूँ, बहुत पुरानों उनकी प्रवचन जो बहुत कम मिलता है, उस समय तो टेप रिकॉर्ड उतना नहीं था शायद, तथापि सुना सुनता रहता हूँ कभी कभी दो एक उनके जो है, श्लोक नहीं बोला, एक भी श्लोक नहीं बोला, सुनने नहीं मिलता, किंतु प्रवचन के द्वारा बोलते रहते हैं। आज श्रील परम गुरु महाराज जब गए थे, बोले आसाम के तरफ प्रवचन करने के गए थे, जो वहीं पर हंकंग देव का जो है बहुत है, है। तो उन्होंने हंकंग देव के बोले इधर भगवान नहीं है, तो उन लोग ने कहा जो चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसके प्रमाण क्या है, है? और देखो उस समय हमारे त्रिविक्रम महाराज सब लिख करके रखा था प्रमाण जो है, और वो समस्त प्रमाण की ग्रंथ किसको दी? हमारे गुरुदेव को दे दी, है ना, त्रिविक्रम महाराज से, गावन गोस्वामी महाराज, देखो सारे श्लोक दे दिया, जिसके जो किताब भी उसके लिए प्रकाश किया गया है, शिला गुरुदेव बामन गोस्वामी महाराज श्लोक तो उनके पास, उनके कहते थे गौड़ीय डिक्शनरी है, श्लोक श्लोक है, जिसमें एक ग्रंथ भी नहीं, महाप्रभु के भगवत्ता के कतिपय प्रमाण, कितने श्लोक उसमें लिखा है। तो इसी प्रकार कई आचार्य की उस बात दिखाई जाता है, अपने अपने भाव आदि व्यक्त करते रहते हैं। जैसे नारद ऋषि के कहा जाता है, नारद ऋषि इतने सुंदर कीर्तन आदि करते थे, है इसलिए कहते हैं नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमणे, नाम अमनी उदित है भक्त गीत स्वामी है। देखो एक बार कथा में कहाँ बोल रहा था, एक बार पुराण की एक कथा है, नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते करते एक स्थान पर गए, है देखा वहीं पर सब सफेद दिखाई पड़ रहे, वृक्ष से लेकर के सब सफेद सफेद दिखाई पड़ रहे। तो नारद ऋषि विचार करने लगे ये सफेद कैसे हो गए, है? तो नारद ऋषि भगवान को जो है जो मैं के भगवान को चिंतन करने लगे, साक्षात भगवान को प्रकट कराया। भगवान ने बोले नारद तुम जो बिना यंत्र के द्वारा जो विरह की जो कीर्तन आदि के है, उस विरह में ये सब सफेद हो गए, है ऐसे ही वर्णन है, है? श्वेत दीप, उसके श्वेत दीप कर दिया, श्वेत माने सफेद, वहां पर सब सफेद वर्ण हो जाता है, है? देखो ये नित्य, ये जो हम लोग जो कहते हैं तर्जिक जो कहते हैं नित्य गीत वाद्य आदि है, इनके एक एक अधिष्ठात्री देवता होते हैं, साक्षात जो देवता जो है प्रकट होता है, है? ये गंधर्व लोक में जो सब रहते हैं, एक एक विद्या में ये लोग सब बहुत एक्सपर्ट है, सुनिपुण है, गंधर्व लोक में जो सबसे एक्सपर्ट जो है उसके नाम क्या बताएगा? अरे उस दिन तो बताया था तंबुरी ऋषि, तंबुरी ऋषि के नाम आता है, है? आ समझ में, है? क्या बोल रहे हो? उसके ऋषि के नाम, चलो शायद आपके पता होगा, कहीं भी हमने ढूंढ सकते हैं उन लोग के तंबू बजाते जो है। चलो तंबू ऋषि के नाम आता है, है? क्योंकि इसकी प्रथा प्रसंग जो है, जब महाप्रभु की सभा में सर्वदमदर राय रमणंद आदि ये सब भक्त लोग बैठते थे, काशी मिश्र सर्वम भट्टाचार्य, कोई साधारण नहीं है, सब
सब तत्त्वज्ञ मर्मज्ञ शास्त्रज्ञ सब एक एक शब्द में विषय में सुनिपुण है, जिसमें उसमें राय रमानंद महा रूप गोस्वामी पाद के प्रश्न कर रहे हैं, तुमने जो ग्रंथ लिखा इस ग्रंथ की नांदीमुखी श्लोक विषय वस्तु कैसे प्रकट करो है, उस समय तो एक शब्द आ रहे हैं ये कृष्ण की वंशीधन के बारे में आ रहे हैं, पढ़ना आपने चैतन्य चैताम में तो अंतलीला में जहाँ पर वर्णन होते जा रहे हैं, तो उस समय कह रहे हैं ये वंशीधनी के बारे में ऐसे सुंदर रूप के समीपात श्लोक लिखा कृष्ण की वंशीधनी है, इस जगत के बाद छोड़ कर दिए और इस जगत के पार करके जब इनके पास गए गंधर्व लोग में गए, गंधर्व तंबुरी ऋषि के नाम आ रहे हैं, इन्होंने अच्छा प्रकाश कर दिया, बोले तंबूर बजाने वाला हो सकता है। अच्छा चलो हाँ साधे लाओ लाओ के तंबूर करते हैं हाँ हाँ। अच्छा चलो बोले तंबूरी ऋषि के कृष्ण के वंशीध्वनि सुनते तंबूरी ऋषि के जो है सिर घूमने लगे, बोले ऐसे सर ताल लय मान कभी सुना ही नहीं है, आज उसके सिर घूमने लगे, बोले ये कौन सा कृष्ण के वंशीध्वनि की जो ताल लय मान किस प्रकार जो चलते जा रहे हैं, वो तो अपराकित है और ये सब तंबूरी ऋषि ये सब क्या है प्राकृत है सब है, किंतु तथापि अपने योग साधना आदि के द्वारा है ये समस्त गुणों की प्राप्ति किया उन्होंने है। एक्चुअल मूल जो है गंधर्व, गंधर्व जो है श्रीमती राधिका, इसलिए राधा जी के एक नाम क्या कहा जाता है गंधर्वी का कहा जाता है, समस्त प्रकार के ताल लय मन सर आदि के जो जो कुछ भी सब कहाँ से आता है, सब श्रीमती राधिका के से, इसलिए हम लोग हर रोज प्रातः काल में जाय देते हैं ना श्री गुरु गौरांग गंधर्विका, ये गंधर्विका कौन है स्वयं राधा जी, राधा जी है, तो उसमें भी वर्णन होते जा रहे हैं, उनके भी सिर घूमने लगे और वंशीध्वनि उस यहाँ तक भी स्वर्गलोक में चले गए और स्वर्गलोक में जाकर के जहाँ पर वो धनी के ऐसे है ये जहाँ पर स्वर्गलोक में सुंदर सुंदर अप्सराएं जो है पारिजात पुष्प आदि चयन कर रहे थे और ये वंशी के सर के धनी ऐसे जो है सबके शरीर को अस्त व्यस्त कर दिया है, वो हमारी कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में आई थिंक थर्ड और फोर्थ नंबर श्लोक में वर्णन होते जा रहे हैं, ये किस प्रकार वो वंशी के धनी जो है और वो वंशी के धनी की इसी प्रकार जो है ये समस्त वो अप्सराएं के शरीर जब ऐसे कपने लगे और उन लोगों ने जो पारिजात पुष्प चयन किया था रखा चुन करके रखा था और वो समस्त पुष्प आकर के फिर कृष्ण के ऊपर वर्षित होने लगे और वो ध्वनि कैसी प्रकार है, फिर ध्वनि जो है वहीं पर चले फिर वहीं पर लौट करके आए और आकर के ब्रज गोपियों की कानों में प्रवेश रंध्र में प्रवेश किया और कंद्रंध्र में प्रस्कृति बास सब ब्रज गोपियां कैसे हो गया वो जो वर्णन है श्रीमद् भागवत में है? क्या निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियो कृष्ण गृहीत मानसा है, देखो वो श्लोक कितने सुंदर होते जा रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं ये समस्त वंशी के धनी अथवा जितने भी संगीत के जो है एक एक अधिष्ठात्री देवता है, आ समझे वो अधिष्ठात्री देवता ही जिसके ऊपर आ जाते हैं और जिसके साधन करके उसके प्राप्ति कर लेते हैं, उनकी कृपा उसके ऊपर हो जाता है, जैसे सरस्वती के आराधना करके वो क्या नाम था अरे केशव काश्मीर है ऐसे दिग्विजय कर लिया था अपने विद्या बुद्धि की तरह नहीं, दैव बलंग ही परम बलम, आसान दैव बल देवता के बल किसको प्राप्ति हो जाता है उसे क्या रहता है, इसलिए तो अर्जुन हम तो क्या बोले अर्जुन भी एक साल तक स्वर्गलोक में रहे देवताओं की बल लेकर के तप आए ना है
है कि नहीं, दैव बल। इसलिए शास्त्र में कहता है दैव बलं ही परम बलम, जितने प्रकार के बल है दैव बल जिसके प्राप्त हो जाता है देवता के बल है, वही देवता उनके ऊपर अविष्ट होकर। जैसे केशव काश्मीर के कथा सुने, वो साक्षात जो क्या होते उसके गले में देवी बैठ जाती थी है, और इसलिए तो इतने श्लोक रचना कर दिया है, कितने हजारों श्लोक है, हवा के भांति झंझावट के भांति। महाप्रभु ने कहा नहीं, उन्होंने बोला महाप्रभु के, आप मुझसे क्या सुनना चाहते हो? अरे गंगा के तट पर बैठे हैं, गंगा की महिमा कुछ सुनाइए है? महाप्रभु बोले हम तो केवल व्याकरण पढ़ाने वाले हैं है? वो भी हम भी नहीं जानते हैं व्याकरण क्या पढ़ाते हूँ, और हमारे शिष्य कौन समझ कितना समझते हैं वो भी मुझे भी पता भी नहीं है। महाप्रभु दयना करके बोले है? मैं तो शिशु शास्त्र व्याकरण पढ़ाता हूँ, व्याकरण में भद्रदादि ज्योतादि दिवादि सदरे वच रुधादिश्च तुधादिश्च चनक्रादि चुरादय भादिगणीय धातु को जो कितने धातु होते हैं उसके श्लोक होते हैं ना, ऐसे भद्रदादि ज्योतादि दिवादि सदरे वच रुधादिश्च तुधादिश्च तनक्रादि चुरादय है। तो उसमें कहते जा रहे हैं हम तो केवल बस व्याकरण शिशु शास्त्र व्याकरण मैं पढ़ाता हूँ, वो भी मैं नहीं समझ नहीं पाता हूँ, और मेरा शिष्य कहाँ कितना तक समझते वो भी मुझे पता भी नहीं है। इसलिए आप कृपा करके जो है सर्व पाप विनाशन विनाशकारिणी आप गंगा की महिमा कुछ हमें श्रवण कराई। और इस कथा के सुन करके उन्होंने क्या की, बस हजारों श्लोक बोलना शुरू कर दिया है? अच्छा वो बोल रहे हैं कि उनके अधिष्ठात्री देवता बोल रहे हैं, अधिष्ठात्री देवता ऊपर से तो जैसे है, जैसे किसी के ऊपर भूत सवार हो जाता है ना है, वो भूत जो कुछ बोलता है देखते हैं तो वो अपने मुख से बोले, किंतु उसके भूत जो कुछ कर रहे हैं उसी प्रकार देखो इतने बोल रहे हैं। और सुन करके महाप्रभु प्रसन्न हुए, महाप्रभु प्रसन्न होकर के बोले गौ महा दाम्भिक है केशव काश्मीर, बहुत दाम्भिक है, बोले मैंने क्या कहा आपके, बोले आपने बहुत सुंदर बोला, अच्छा किंतु आपके कवित्व की बखान में क्या कहता हूँ, बोले इसमें कोई दोष? तो महाप्रभु उनके कहने लगे देखो तुम्हारे तो गुण गुण ही है तथापि दोष मैं दिखा दे। बस दोष की कथा सुनते ही वो चौंक उठे, बोले मेरा कवित्व में कहीं दोष नहीं हो सकता है, केशव काश्मीर बोले मेरे कविता में श्लोक में कभी दोष नहीं हो सकता है, सब गुण गुण है, किंतु महाप्रभु ने क्या कि बोले कोई एक श्लोक कौन सा श्लोक में आ, तो महाप्रभु ने क्या कि उन्होंने जो श्लोक बोला है महत्तम गंगाया, उस श्लोक के एक श्लोक उठा करके महाप्रभु श्लोक भी रिपीट कर दिया और उसमें पांच दोष और पांच गुण बता है। और सुन करके उसके भी वो हैरान हो गया, बोले मैंने इतने बोले ये तो मनुष्य के लिए संभव नहीं है, ये याद कैसे कर लिए है। महाप्रभु इंगित भी दिया जैसे आप किसी के बर से यदि आप हो सकते हो और कोई भी हो सकता है, हाँ? अच्छा बताओ, फिर महाप्रभु उनके दोस्त दिखा तो फिर आगे की बात। मेरे कहने की यह तात्पर्य है इस किसलिए कह रहे हूं, ये अधिष्ठात्री देवता जैसे संगीत आदि जो सीखते जाए उसके अधिष्ठात्री देवता सब होता है, और वो अधिष्ठात्री जो देवता जो है प्रेजिडाइंग डेटी जब वो क्या करते हैं, वही तुम्हारे पास साक्षात में प्रकट हो जाता है। संगीत कोई साधारण वस्तु नहीं है, जितने प्रकार की शास्त्र जो है संगीत शास्त्र के सबसे ऊंचे स्थान पर रखा गया है, आ समझे, जितने प्रकार के विद्या है संगीत विद्या, गंधर्व वेद जिसे कहा जाता है, है? नहीं ये उपवेद में आते हैं ना, ऋग साम वेद, हाँ
उपभेद कहा जाता है, ऐसा नहीं छंद ताल लय मान आदि ये सब है, ये सब। इसलिए एक छोटा सा कहानी एक दिन मैं ही सुना रहा था है? ये देखो एक संत महात्मा थे, बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा, और वो संगीतज्ञ भी थे है? वो वक्ता भी थे और संगीतज्ञ भी थे है, कीर्तन करने वाले भक्तों सब। एक दिन घूमते घूमते एक गांव में गए है, शाम हो गया, गांव वाले के बोले ये देखो यहाँ पर रहने की व्यवस्था है। उस समय गांव के लोग क्या करते हैं, गांव के बाहर खेती के सामने जो है कोई मंदिर होता था, उस मंदिर में संत महात्मा के ठहराते थे, संत महात्मा ठहरते थे आज। तो गांव वाले बोले अच्छा यहाँ पर रहो है आज, और सुबह शाम को शाम के समय पुजारी आता है, आरती दिखा करके चले जाते हैं, जब कोई विशेष उत्सव हो तब गांव के लोग एकत्रित होते हैं मंदिर में है, और नहीं तो मानो सारे साल खाली पड़ा रहता है, है? सुमसान। तो संत महात्मा वहीं पर रहने लगे अकेला। एक दिन गए संत महात्मा, कोई वो तो बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा थे है, ताल लय मान दे करके कथा भी बोलते थे सब लोग, किंतु संत महात्मा जय संत महात्मा सभी के निमंत्रण किया जे आप लोग आइए कथा सुनिए। गांव के लोग शाम के समय जो आते थे फिर है, और संत महात्मा कथा बोले ने बहुत है सुंदर अच्छी लगा। तो करते करते संत महात्मा कैसे होते हैं, रमता जोगी बहता पानी है भाई, संत महात्मा क्या करते हैं, जम गया तो जम गया फिर चलना शुरू कर देते हैं, जैसे पानी है ना आ रहे है, बांध है रुक जाते हैं, फिर बांध खोल देते हैं फिर वो बहते हुए चलते। संत महात्मा उसी प्रकार की है, संत महात्मा की कोई नहीं, ये हमारा है तुम्हारा है, यहाँ पर रहना है नहीं रहना है, जब तक है ही है उसमें क्या आता जाता है। इसलिए कहावत है रमता जोगी बहत पानी है, आसक्त हमें क्या लेना आसक्ति अनासक्त है। वो संत महात्मा देखो उस मंदिर में जो है दो दिन चार दिन रहे है, कथा भी बहुत अच्छा बोले, लोगों की बहुत अच्छा लगा, हर रोज शाम के समय रौनक लग जाता था है, बहुत अच्छा है। सुबह के समय प्रातः काल में संत महात्मा उठ करके क्या करते, 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे है उठ करके वो ये करते थे, क्या बोले बद अपने हारमोनियम जो जो बजाते थे है, और बिल्कुल भाव में विभोर हो जाते थे है। जो देखो उस संत महात्मा एक दिन क्या कर रहे हैं, बजा रहे थे, साक्षात रूप उसके उधिष्ठात्री देवता, मेरे कहने के साक्षात रूप उसके प्रकट हुई, और भगवान की इच्छा ही है। और उसी दिन उस समय प्रातः काल में कोई एक महिला जो है मंदिर में आ गई थी किसी कारण से, महिला वो देखा क्या ये संत महात्मा के सामने तो इतना सुंदरी एक लड़की बैठी हुई है आए कि नहीं है, बस अरे भाई स्त्रियों की तो होता ही है छोटी सी उतना सबके कहते इसको किसी को मत बोलना है, आपके फोन करके बता देंगे ये किसी को मत बोलना, फिर उसके बोलेंगे इसके मत बोलना बोलना, फिर बिल्कुल इंटरनेट में पूरा वर्ल्ड फैल जाएगा, वजह उनका नहीं भाई है आ समझ में नहीं। कुंती को अभिशाप दिया ना, किसने अभिशाप दिया, युधिष्ठिर महाराज ने अभिशाप दिया था है, ये आज से कोई स्त्री जाति जो किसी वस्तु के जो वो छुपा नहीं पाएंगे, हजम करने वाले बोल रहे हैं। वो जो कथा महाभारत की कथा आप लोग जानते हैं, अब बताओ क्या अभिशाप दिया था युधिष्ठिर महाराज, अरे कुंती के पुत्र क्या बोले, कुंती के पुत्र है ना वो कर्ण, वो छुपा दे इतने समय मृत्यु के पश्चात जो वो बताया है, ऐसे समझे है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने आप दे है? चलो हाँ जे देखो वो स्त्री ने किया कि भाई आग के भांति सारे गांव में कथा को फैला दी, प्रचार कर दिया
अरे ये संत महात्मा ना है, ये तो ढंगी संत महात्मा है, शाम के समय अच्छा तक कथा सुनाते हैं, रात भोर स्त्रियां के लेकर के यहां पर व्यभिचारी करते हैं। हमारे गांव के किसी को विश्वास हुआ, किसी के विश्वास भी नहीं होते हैं। बोले इतने उच्च कोटि के संत महात्मा इतने सुंदर हरि कथा बोलते हैं, भाव में डूब जाते हैं, ये कैसे संभव होगा? और कोई भी बोले नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा चलो, तो लोगों की जब ये लग जाता है, शक लग जाता है, तो देखते हैं वास्तव क्या है। तो उसने किया कि कुछ गांव के लोग जो है प्रातः काल के ब्रह्ममुहूर्त में आकर के पीछे मंदिर के पीछे छुपे करके रहे, और संत महात्मा दूसरे दिन जो प्रवचन कर रहे थे, देखा आज मेरे कथा में लोग जो बैठे तो हुए हैं किंतु मन सबका क्या है, थोड़ा बहुत विचलित हो रहा है, मेरे प्रति कुछ ऐसे कुछ संदेह प्रकाश कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं पाया। अच्छा, संत महात्मा विचार करने लिए, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और इधर प्रातः काल जब हो गए, प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में कुछ गांव वाले बोले आज के रंगली हाथ में पकड़ लेंगे, है वो स्त्री जब आएगी संत महात्मा के साथ, उनके पकड़ के हम लोग संत महात्मा की अच्छी तरफ से धुलाई कर दी है। भाई उस संत महात्मा के प्रातः काल में वो जब कीर्तन आदि करने लगे है, भाई देखो कीर्तन के स्वर ताल लय होता है ना, इतने सुंदर, जो इसके जो मर्मज्ञ होते हैं ना वही जानते हैं, दूसरे हम क्या बोलते, जैसे ख्याल पढ़ते हैं ना अपने आ आ, क्या बोलते इसको है, आलाप सरलाप करते हैं, राजकुमारी चले चले चले, राजकुमारी चले चले चले, वो कथा सुनाया ना है, आ? एक दिन सुनाया था ना है, बोले राजकुमारी चले चले चले, कब तक चल गए पता ही नहीं है, चलते 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 वो भी ताल करते हैं ना, बहुत अनेकों सब ताल लय आगे पीछे करके है, कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, धनी नचत देखी, धनी नचत देखी, धनी धनी धनी, धनी नचत देखी, धनी धनी धनी, जो लोग एक सरल करते हैं ना वो लोग जानते हैं है, आसम जी धनी नाचते देखी कैसे करते रहते है। उसके वृकासुर के वध करने के समय कोई पुराण में कथा है, है भागवत में तो दूसरी कथा है, कोई पुराण में कथा है, स्वयं जो है भगवान जो ब्रह्मचारी के रूप में आए ना है, और फिर स्वयं भगवान के क्या की सुंदर रूप, एक रूप धारण कर लिया, माया भी मैं क्या बोले सुंदर स्त्री रूप धारण कर लिया, और वो वृकासुर के बोले विकास को बोले तुम कहाँ जा रहे हो, बोले शिव जी को ढूंढ रहा हूँ, बोले पागल है, मैं तो शिव जी के कितने साल तक मैं तपस्या कर रहा हूँ, मुझे मिले नहीं है, तुम कहाँ वहीं पर जा रहे हो, बेकार की बात है, है वो तो क्या क्या लेते हैं उसके शिव जी के, ठीक है क्या है। तो उनकी कथा सुन करके देखो भगवान विष्णु जब ऐसे सुंदर रूप धारण किया देख करके विकासुर सोचने लगे, जिसको भस्मासुर रूप बाद में नाम हुआ है, तो वो कहने लगे देखो कहते बात सही है, ये तो सही बोल रही है, पर उनके रूप देख करके इतने आकृष्ट हो गए है, आकृष्ट होकर बोले बोले एक काम करो तुम मेरे साथ विवाह करो, बोले हाँ विवाह तो करो, बोले देखो मेरे साथ विवाह करने के लिए ये एक बात है, हम लोग के रियाज है क्या नित्य करना पड़ता है, विकास बोले कोई बात नहीं नित्य करेंगे, बोले कैसे नित्य करेंगे, बोले भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण किया ना, बोले मैं जैसे बोलूंगी ऐसे करना पड़ेगा, बोले देखो हाथ को ऐसे करके धनी नचत देखी, धनी नचत देखी धनी नचत देखी, धनी नचत देखी धनी, अरे सिर का और हाथ को नीचे करो तो वो इतने मोहित हो गया अंत में आद रख दे, बोले वृंदावन बिहारी, ऐसे से किसी पुराण में ऐसे कथा है, भागवत में ये कथा नहीं है, भागवत में तो दूसरी कथा है, क्या जी नहीं 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 आप कथा से ठीक से फिर आप कथा पे दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपका वो तो ब्रका
उसे कथा सुनाया कि नहीं? तो ये दूसरी कथा है, भागवत की कथा नहीं है, ये कोई पुराण की कथा है। पंडित जी लोग बोलते हैं ऐसे थोड़ी बोल देते हैं, कहीं कहीं पुराण में होगा है? हाँ हम कहते कहते हैं यार ये महाराज ये क्या अपने कथा के बोल रहे हो भाई। पंडित जी लोग जो बोलते हैं ना कहीं ना कहीं पुराण की कथा ही बोलते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत मिर्च मसाला लगा दे है, किंतु फाउंडेशन जो है पुराण की रहता है। जैसे मैंने कथा सुनाया द्रौपदी की कथा सुनाई है, छाया सीता है कि नहीं है? ब्रह्मांड पुराण लियो हमारे पास है, हम दिखा देता हूँ। हम भी स्वयं पढ़ा और भी नोट करके मैं लिखा रखा है, कि आजकल बहुत लोगों की पता नहीं है द्रौपदी कौन थी है। द्रौपदी कितने बने थे? द्रौपदी छाया सीता बनी, फिर द्रौपदी हजारों साल तपस्या की, फिर महालक्ष्मी के रूप धारण कर महालक्ष्मी के रूप में स्वर्ग में भी रही है, महालक्ष्मी के रूप में स्वर्गलक्ष्मी जिसको कहा जाता है उसमें लिखा है जो है स्वर्गलक्ष्मी सर्वलक्ष्मी स्वर्गलक्ष्मी स्वर्ग में लक्ष्मी के रूप में रही, फिर स्वर्गलक्ष्मी में फिर नीचे आ गई है, फिर आकर के फिर उनको जो है ये रूप बना, क्या बोले छाया सीता के रूप में आए है। अनेक कथा है, हम तो जानते नहीं है, इसलिए कहते हैं महाराज ये कहाँ की आषाढ़ी गल्प कह रहे हैं क्या? आषाढ़ महीने में है ना रिमझिम बारिश होते है, बोले क्या करे है, है? नहीं एक बांग्ला में कहा कहते हैं आषाढ़ी गल्प, आषाढ़ी कोई देयर इज नो फाउंडेशन है, किंतु वास्तव ये सत्य नहीं, ये पुराण की कथा है। जैसे मैं ये कथा सुना रहा हूँ ये आप प्रभु जी पढ़े हुए कह रहे हैं, वो कह रहे ना वो विकासुर विकासुर उनके दर्श रूप देख करके मोहित हो गया, स्वयं भगवान जो है मोहिनी रूप धारण इतने सुंदर रूप धारण कर लिए और देख करके वो विकासुर मोहित हो गए, और स्वयं भगवान मोहिनी कहने लगे बोले मेरे साथ ये विवाह करना है तुम्हारी इच्छा है तो हमारे विवाह के पहले तुमको हमारे साथ क्या करना पड़ेगा, नृत्य करने पड़ेगा। बोले कैसे नृत्य करना? बोले मैं जैसे दिखाऊं ऐसे करो, वो कह रहे हाथ को ऐसे उठाओ, वो भी डर गया कहीं हाथ मेरे सिर पर लग ना जाए किंतु महादेव ने उसको बर दिया ना, ये तुम्हारे हथेली जो है जिसके हाथ पर लगे जिसके सिर पर लगे वो भस्म हो जाए। किंतु देखो भगवान की लीला है तो भगवान इसलिए करने लगे, देखो ऊपर क्यों रखते करो, धनी नचत देखी धनी नचत देखी न धनी 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 आप पढ़ेगी नहीं उसे देखो बहुत आनंद आ जाएगा और फिर इसने मोहित होते होते वो स्वयं क्या किया, हाथ को हाथ लग दिया, लग अपने हाथ हथेली जाए अपने सिर पर लग गया वो बम बस बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। वो गांव वाले जो है देख ले, गांव वाले पहले तैयार हुए थे है, ये रंगली हाथ में आज पकड़ लेंगे और दोनों की जो है संत महात्मा ये ढंगी संत महात्मा और उस देखो वो संत महात्मा ढोंगी थोड़ी थे, वो तो सिद्ध महात्मा थे वो है। और वो जब करने के लिए साक्षात में जो प्रगे और वो गांव वाले जब आए बस वो सुंदरी क्या की साक्षात जो अधिष्ठात्री देवता जो मंदिर है वो हंस करके गांव वाले की तरफ से हंस करके अंदर ध्यान हो गए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो गांव वाला विचार करने लगे, संत महात्मा के पास आए कहने लगे महाराज क्या बात है? संत महात्मा कहने लगे ये देखो जो मैं जो ये जो वाद्य यंत्र जो मैं करता हूँ इसके साक्षात रूप में अधिष्ठात्री देवी है प्रकट हुई है, अधिष्ठात्री देवी के प्रकट करने यही तो साधन है। हम जो मंत्र जो जप करते हैं मंत्र जप की प्रणाली क्या है पहले तो इसको सीखो, भजन रहस्य ग्रंथ में हम पहली पाठ किया था इसलिए कहते हैं मंत्रार्थ चिंतन, मंत्र अधिष्ठात्री देवता के चिंतन होना चाहिए, मंत्र अधिष्ठात्री देवता के चिंतन करते कि उसके प्रकट करो, यही तो साधन है और कुछ नहीं है। साधन क्या है, अपने मंत्र अधिष्ठात्री देवता के प्रकट कराओ। जैसे एक उदाहरण दे गुरुदेव गुरु मंत्र जाप करते हो, गुरु मंत्र किसके प्राप्ति हुआ हाथ उठाओ, गुरु मंत्र प्राप्त हुआ कि नहीं है? गुरु गायत्री मिला है ना, गुरु गायत्री में क्या लिखा है कृष्णानंदायो, कृष्ण नहीं थोड़ा मैं इसे आप लोग जुल्लो प्राप्त किया कृष्णानंदायो, कृष्णा माने श्रीमती राधिका की जो आनंद प्रदान करने वाले ये गुरु हमारा है वो स्वरूप हमारे इंद्र प्रकट हो है। मंत्र तो जप करते हैं
किंतु मंत्र के अधिष्ठात्री देवता के प्रकट कराओ, गुरु के स्वरूप के प्रकट कराओ, है ये एक दिन में थोड़ी हो जाएगा, है अभी दीक्षा मंत्र लिया अभी नहीं होगा, किंतु आपको क्या करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, यही तो साधन है। समझ में आ रहा कि नहीं, है कृष्णानंदाय धीमहि, कृष्ण नहीं कृष्णा, कृष्णा माने श्रीमती राधिका, आनंद देने वाले जो गुरुपाद पद में है, राधा जी का आनंद देने वाले गुरुपाद गुरु जो है वो कौन सा गुरु होगा, मंजरी स्वरूपा होगा, जिससे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद करें, निकुंज जो नो रति के लिए सिद्धई जा जाली भी जुक्ति रपेक्षणिया तत्रादि दाक्षात अति वल्लवश वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद करें, मंत्रार्थ दीपिका ग्रंथ को अच्छी तरह से अमल करना पड़ेगा। मंत्रार्थ दीपिका किस किस ने पढ़ा, नहीं पढ़ा, मंत्रार्थ दीपिका नाम सुना कि नहीं सुना, पहली बात तो पहली बार सुना, मैं उस दिन तो बोला था, तो मंत्रार्थ दीपिका ग्रंथ है, किसने लिखा मंत्रार्थ दीपिका ग्रंथ, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है, आज समझे, ये समझते, इसलिए तो जरूरत होता है, हम जो कहते हैं इसलिए कहते हैं मंत्र की हर मंत्र की जो अधिष्ठात्री देवता, प्लीज लिसन, मंत्र के अधिष्ठात्री देवता को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रकट करना पड़ेगा, तब तो होगा साधन। साधन जो आप करते जा रहे, साधन के तात्पर्य क्या है, अपने मंत्र के अधिष्ठात्री देवता के प्रकट करें, वो हमारे हृदय में प्रकट हो, है धीमहि मैंने ध्यान मैं करता हूं, वह गुरुदेव तन्नो गुरु प्रचोदयात, प्रचोदयात शब्द का अर्थ क्या है बताओ, है संस्कृत तो जानते हो आप, बताओ, प्र च उदयात, प्र मैंने प्रकृष्ट रूप में, च समुच्चय प्रद पद होता है, है उदयात मैंने उदित हो प्रकाशित हो, मंत्र को तो यही कहा जाता है, जो गुरु के जो गुरु के जो स्वरूप जो है वो कौन सा गुरु स्वरूप होगा, राधा जी के आनंद देने वाले ये गुरु, वो पुरुष स्वरूप गुरु नहीं होगा, है राधा जी के आनंद देने वाले गुरु कौन सा होता है, है उस वह गुरुदेव जो है स्वरूप हमारे हृदय में प्रकट हो, कोई बोल देने से थोड़ी होता, आप चलो आप लोग सब जानते हैं गुरुदेव के स्वरूप का क्या बताया, रमन मंजरी बोल दे, रूप गोस्वामी के रूप मंजरी बोल दिया, रघुनाथ से रुचि मंजरी बोल, ये तो आपने सुन लिया, सुन करके रट करके रखा है, है क्या आपके अनुभूति है, अनुभूति करो, स्वरूप के प्रकट कराओ, हाँ सही उस गुरु के स्वरूप के हृदय में प्रकट, इसलिए कहते हैं ना भजन रहस्य ग्रंथ में जो पांच प्रकार के नियम दिखाया गया है, मंत्र की सिद्धि के जो पांच प्रकार नियम दिखाया गया है, मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र के अर्थ चिंतन करो, मंत्रार्थ चिंतनम, जिससे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यही मंत्रार्थ चिंतन करते करते उसके समझ में नहीं आ रहे, जे गाम गायत्री के जो है 24.5 अक्षर कौन सा है, आधा अक्षर कौन सा है, 24 हो सकते हैं 25 होगा, है आधा अक्षर कौन से कहां से मिले, है सारे शास्त्र अध्ययन कर लिया, व्याकरण के अनुसार सब कुछ कर लिया, क्यों तथापि उनके नहीं, तो विचार करने लगे क्या की जाए, है राधा कुंड में अपने के आहुति देने के लिए विचार किया, माने आत्महत्या, स्वयं राधा जी रात में उनके सपनादेश दिया, है हे हरिवल्लभ, है ये देखो, है हमारे जो मंजरी कस्तूरी मंजरी कृष्णदास कविराज जो चैतन्य चरितामृत में जो लिखा, ये परम सत्य है, ये आधा जो अक्षर जो है ये इस ग्रंथ में जाओ, कौन से ग्रंथ में, वर्ण समागम भस, इस ग्रंथ में देखो, इस अक्षर के बाद ये रहने पर यह ये यह आधा होता है, तो उन्होंने देखा दे। है इसलिए तो इसलिए कहा जाता है साधन, उसके कहा जाता है, नहीं तो हरे नाम कर रहे हो तो हरे कृष्ण कर रहे हो, करो कोई बात नहीं,
है, किंतु मंत्र के अधिष्ठात्री देवता के जो है प्रकट करना पड़ता है, उसी के तो साधन है। और एक साधारण साधन साधन से नहीं होगा है, अनेकों जो है कठोर परिश्रम करना पड़ता है। ये मंत्र के अधिष्ठात्री देवता क्या है, कोई कह देने से थोड़ी हो जाता है। कोई कहते हैं गुरुदेव आप अपने स्वरूप के बताओ, मैं कहता तू अपने स्वरूप को तो सोचो सोचो, फिर मेरा स्वरूप के सोचोगे पहले है। अपने कैसे करोगे, पहले अपने साधन करो, साधन के द्वारा अपने सारे अनर्थ के क्या करो, दूर करो, चित्त निर्मल तो करो है। चित्त के निर्मल करना पड़ता है तुम्हें, बिना साधन से कह देने से तुम्हारे कुछ लाभ नहीं होगा है। भाई मैं भी तुम्हारे स्वरूप की बता दूं, तुम्हारे भी कुछ लाभ नहीं होगा है। अनर्थ अनर्थ के पैसे क्या करते हैं, दूर करना पड़ता है। यही साधन, साधन के द्वारा सारे अनर्थ को दूर करना है। आज यही तो कहा जाता है, साधन करते साधन करते साधन के द्वारा मंत्र के अधिष्ठात्री देवता, मंत्रार्थ चिंतनम है, मंत्र के अर्थ के चिंतन करो, मंत्र अधिष्ठात्री देवता है कौन है उसके चिंतन करो है। न्यास मुद्रा प्रपत्ति शरणागति और आत्मनिवेदन, पांच विधि दिया गया ना है, ये पांच नियम के पालन करना पड़ता है। साधन उसी के कहा जाता है, दीवा रात्र लगे रहो बस है, शास्त्र अध्ययन करो, नाम करो। केवल शास्त्र अध्ययन के द्वारा भी नहीं होगा है, केवल श्रवण के द्वारा भी नहीं होगा। नायंगात्मा प्रवचन लब्बो न मेधया न बहुना श्रुते न जब विषय बिनते तेन लब्ब तस्स आत्मा विवृणुते तनुष्याम। कोई कहते हैं भगवान जब कृपा करके होगा तब हम कष्ट करें, नहीं ये भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें साधन करना पड़ेगा तब भगवान तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा है। इसलिए तो हम बार बार इंटेंस देते हैं शब्द के ऊपर है। ये मंत्र अधिष्ठात्री देवता की पहले गुरु मंत्र से शुरू करो है, गोपाल क्या बोले ब्रह्म गायत्री मंत्र से अथवा गुरु मंत्र से शुरू करो है। उसके करते 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 एक दिन में नहीं होगा वो है, इसके कहते साधन है। उसके लिए अनेक जो है प्रक्रिया है साधारण प्रक्रिया के हम पालन नहीं करते हैं तो कहाँ से हो जाए है। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं जार नहीं कंडक ज्ञान तार है दिव्यक ज्ञान, समझ में आता है। जार नहीं कर मान हु हैज नो कॉमन सेंस, जिसके कॉमन सेंस नहीं साधारण ज्ञान नहीं है, है? उसके दिव्यक ज्ञान कहाँ से होगा, कॉमन सेंस होना चाहिए है। अर्थात साधारण हमें भक्ति के कैसे पालन करे, धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति करके आगे चले है। बड़े बड़े ऊंची कथा के सुनने से भी आपके होगा ही नहीं, संत महात्मा कभी तो उदार होकर बोल देते हैं है। संत महात्मा जो है बहुत उदार होते हैं, तुम्हें लोभ उत्पादन करने के लिए है, कथा को रुचि आने के लिए अनेक समय जो उच्च स्थान की कथा को बोल देते हैं, ठीक है किंतु इसके मतलब नहीं है जो तुम उस कथा को सुन लेने से तुम्हारे हो जाएगा, नीचे से आना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा है। साधन बिना साध्य वस्तु प्राप्ति नहीं है, साधन करना पड़ेगा। साध्य वस्तु तो कह दिया ठीक है, किंतु फिर साधन करना पड़ेगा है। आज में कथा तो बहुत ऊंचे कथा के सुन लिया बोल दिया ठीक है लोभ उत्पन्न हो गया, इसके मतलब जो है या आप सब कुछ प्राप्ति हो गया, ये नहीं, साधन करना पड़ेगा। वही साधन के बारे में बताते जा रहे, जैसे मैं ये एक शब्द पहले गुरु मंत्र के साधन करो है, मंत्र की अधिष्ठात्री देवता के प्रकट कराओ है, प्रकट करा दे तब होगा। वो कैसे होगा, सेवा आदि करते करते है। इसलिए गुरुदेव एक बात कहते है, शरीर के घिस दो गुरु सेवा करते करते है। देखो इसलिए तो उपनिषद में कहा गया
क्या बोले उसके नाम दौमर ऋषि के जो शिष्य जो है दो शिष्य है बोलो पंडित उपमन्यु की कथा सुनाते हैं इसलिए तो है आरुणिक और उपमन्यु की कथा किस लिए तो सुनाया गया वो भी ब्रह्म ज्ञान के लिए है उनके ब्रह्म ज्ञान के लिए ही इतनी कथा सुना दिया उनके जीवन की इतिहास सुने वो तो एक दिन की कथा सुना है ना जी कितने साल कितने समय तक उन्होंने गुरु सेवा आदि किया है हम तो एक दिन की कथा बोले ठीक है गुरुदेव चले जाते हैं दुर्वासा हमारी खेती है वहीं पर लेट जाते हैं फिर गुरु भी आया ही नहीं और ऐसे नहीं है कोई कहे जस्ट मैं माने हंस को दिखा रहा हूं है ऐसे नहीं होता है साधन करना पड़ेगा वो तो एक दिन की कथा सुनाया क्या बोले उपमन्यु के एक दिन की कथा सुना जी कितने समय तक वो गुरु सेवा आदि करते जा रहे हैं अथवा कितने जन्म भी लग जाता है हैं कितने जन्म लग जाता है घिसते 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 हैं सेवा करते 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 हैं तब ये फल प्राप्त होता है अनेकों जन्म लग जाता है और किसी के एक जन्म भी लग जाते हैं साधन जैसे मृदंग बजाते हैं देखा तो गए अभी आ गया अभी कैसे सीख लिया अरे नहीं पूर्व से वो सीख करके आए हैं पूर्व जन्म में वो उसको बजाया बजाता है नहीं तो कैसे आ गया हम तो बजा नहीं पाते तेरे खेटा कहें तो हो जाता है एक ताल दो ताल बस हो गया है आज ताई थी नगे दई अरे बजाते हैं ना भैया है किंतु देखो उसमें कितना मंत्र है कितना मंत्र है मृदंग में है अनेक मंत्र है तो मंत्र के साधन कहा करते हैं जो जैसे साधन करते रहते हैं ये उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूं देखो एक मृदंग की बजाने के जो कितने होता है उसके साधन है आज हम नवद्वीप में देखा हमारे कुछ ब्रह्मचर्य रात 3 बजे उठ करके बस वो मृदंग बजते बिल्कुल धर्मशाला में जा करके है बजाते खट 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 है बजाते रहते है मंत्र को जो साधन करते हैं और वो मंत्र ऐसे बोलते हैं जो है उस वो अपने आप वो बोलना नहीं पड़ता है वो मृदंग की जो है वो अपने आप क्या करेगा है वो अपने आप ध्वनि अपने आप प्रकाश करेगा आप बोलो नहीं बोलो है जो आप मृदंग जो बजाते हैं ऐसे करके है मैं देखा बहुत अच्छे जो है वो नहीं बोल रहे किंतु जो मृदंग जो बोल रहे हैं आपको जो यदि ज्ञान हो आपको देखो कैसे है बोले है तो ये समझ तो ये है कि जी साधन साधन होता है एक जन्म नहीं कितने कितने जन्म वो करके आए हैं फिर इस जन्म में भी साधन करते जा रहे हैं है इसलिए उसी प्रकार जो है साधन मंत्र की साधन इसलिए कहते हैं डू और डाई मंत्र साधन के बाद शरीर पतन डू और डाई साधन करते जा चले है चले हम जो कथा बोलते जा रहे हैं गांव वालों के साथ वो तो कथा समाप्त होगी ना संत महात्मा के दिखा कह कहना है वो संत महात्मा की साधन होता है सिद्धि प्राप्त करते हो सिद्धि प्राप्त करके साक्षात रूप में मंत्र की अधिष्ठात्री देवता को प्रकट कराना हम लोग के तो उसी प्रकार ही है नाम और मंत्र में कोई भेद नहीं है किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार बल जपिते जपिते मंत्र करिल पागल हसाय नचाय मोरे कराय क्रंदन वो नाम और मंत्र में कोई भी के नाम में संबोधन संबोधन आत्मक कहा जाता है भगदीप केश है हे कृष्ण है ये नाम में ही रहता है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये सब मंत्र ये जो नाम में क्या रखा है सब भगदीप केश संबोधनात्मक कहा जाता है संबोधन
और मंत्र में क्या है, मंत्र में क्या रखा है संप्रदान कारक, संप्रदान माने जो अपार है, स्वाहा है, स्वाहा नमः आदि के द्वारा संप्रदान करना माने जो अपार है। एक संबोधन पद होता है और एक संप्रदान कारक होता है, दोनों में अलग होता है, हाँ। तो इसलिए जो है नाम और मंत्र में कोई भेद नहीं है, वही तो कृष्ण जी, गोविंद कृष्ण गोविंद और गोपीजन बल्लभ है, उसमें जो है विभक्ति कारक विभक्ति दे करके क्या कर दिया है, संप्रदान कारक कर दिया है, अफारी कर दिया और कुछ नहीं। और नाम में साक्षात में अब देख गोविंद गोविंद गोपाल हरे मुकुंद हे नंद है, नहीं पहले जो है क्या श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री जसोदा तनय प्रसिद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री जसोदा तनय प्रसिद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री जसोदा तनय प्रसिद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश। गोप कुमार अपने जीवन कहानी, जीवन की इतिहास लाइफ हिस्ट्री अपने शिष्य माथुर ब्राह्मण के सुनाया, हे माथुर ब्राह्मण सुनो मैं कैसे अपने को अनुभूति किया, कैसे भगवान की मैंने प्राप्ति की, भगवत लोक कैसे प्राप्त है, सारी कहानी लगे। देखो मेरा जन्म कहाँ पर हुई, गोवर्धन में। गोप कुमार के कहाँ जन्म हुआ, तुम्हारे कहाँ जन्म हुआ, गोवर्धन में, अच्छी बात है, है? वो भी गोवर्धन में, तलाटी में, कहाँ कौन सा कुल में, गोप कुल में, हाँ गोप कुमार है ना, इसलिए गाय चराने वाले है। गोप कुमार के एक तो हुआ कहाँ, गोवर्धन में जन्म है, और फिर कौन सा कुल में, गोप कुल में जन्म, साहबी कुल में गाय चराते हैं, जो जिस कुल में जन्म लेते हैं बचपन में, तो कहने से गाय चराते चराते एक दिन प्यास लग गया और चलते चलते जुबना के तट पर गए, यही केसी घाट के पास, कहाँ गोवर्धन, और यहाँ पर कहाँ गई, केसी घाट, वहीं पर जो नाम दिया केसी घाट ने नाम दिया है, और केसी घाट के पास जब आया देखा वहीं पर एक झोपड़ी में एक संत महात्मा बैठे हुए थे, और संत महात्मा यही कीर्तन कर रहे थे, कौन से कीर्तन, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री जसोदा तनय प्रसिद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हा श्री जसोदा तनय प्रसिद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश। गोप कुमार कहने बस वो वृद्ध ब्राह्मण है, और आंख बंद करके प्रेम से डूब कर हर्ष कीर्तन मैं बैठे रह, इतने सुंदर जो है कीर्तन बस बैठे रहे। कुछ समय के बाद जब आंख खोले देख करके बहुत प्रसन्न हुए, ना जाने उनकी कृपा दृष्टि कैसे हमारे पर बरसित हो गया है, और उनके स्नेह प्रति इतना हमारे ऊपर हो गया, मैं हर रोज मैं आना शुरू कर दिया है। लंबी कथा है उसी में बता दे, देखो
है। फिर उन्होंने अपने जीवन की इतिहास भी बताया है। गोप कुमार के गुरु कौन थे? जयंत। वो कौन था? उनके जन्म कहाँ हुई? लोकवत्तु लीला कई बल में ना मनुष्य के भांति लीला होती जाए। कहाँ पर है गुप्त? उनके जयंत के कहाँ जन्म हुआ? बिहार में। जिसे कौन सा स्थान लिखा गया बृहद भागवत में देखो है, वहीं पर गंगा के तट पर है उन्होंने ये बताया है, और वहीं पर आ गए। लिखा है खुद ढूंढो है। जयंत तो अपने कहने लगे, काल खुल करके देखो, देख करके आओ है। फिर उन्होंने जो है नहीं नहीं बाबा ने गुरु फिर उन्होंने उनको क्या दिया देखो है। फिर उन्होंने देखा तो उनके बोले मेरे लिए थोड़ा दूध ले आओ है। गुप्त तुम गाय चरो, तुम्हारे पास गाय है वो है। और हर रोज वो गुप्त कुमार जयंत के लिए क्या लेकर के आते थे? दूध लेकर, थोड़ा बहुत पी लेते थे और उनको प्रसाद के रूप में दे देते है। धीरे 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 उनके प्रति इतने प्रकार आसक्ति हो गए है। एक दिन उनके गुरु जयंत ने कहा है, तुमको एक मैं बहुत मूल्यवान वस्तु देना चाहता हूँ, जिसके जगदीश्वर प्रसाद प्रसाद गण। बल्कि क्या प्रसाद? जगदीश्वर प्रसाद। तो बोले जाओ जमुना में स्नान करके आओ। गोप कुमार जमुना में स्नान करके आ गए और ये जगदीश प्रसाद, वही गोपाल मंत्र है, षडाक्षर जो गोपाल मंत्र है। देखो मंत्र देने के साथ ही साथ जयंत के उनके गुरुदेव मूर्छित हो गए, मुंह में फेन माने क्या बोलते हैं झाग निकालने लगे है, गर 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 गर। मंत्र तो बोलते किंतु मंत्र की कैसे जप करना है, मंत्र की अधिष्ठात्री देवता कौन है, कुछ नहीं बोले है। मंत्र के अर्थ तक भी नहीं बोले है, मूर्छित हो। गोप कुमार देखा तो मेरे गुरुदेव मूर्छित हो, तो उन्होंने क्या कि जल्दी गए जमुना में गए, अंजलि भर करके पानी ले। जब लौट करके आया तब गुरुदेव अंतर्ध्यान है, बोलो वृंदावन बिहारी है। फिर गोप कुमार अपने गुरु के लिए इतने तड़प होने लगे, व्याकुल होने लगे है। वृंदावन सर्वत्र जगह जमुना के दोनों उपकुल है सब कुल ढूंढ लिया, वृंदावन में सारे स्थानों के छानबीन करके देखा, कहीं कहीं नहीं मिला। अंत में उनके वृंदावन में रहना पसंद नहीं किया उन्होंने, कि विरह उत्पन्न हो जाता है। ये वृंदावन में रहना नहीं, वृंदावन छोड़ करके कहाँ चले गए? प्रयाग में चले गए ना है। देखो कहाँ कहाँ चल के प्रयाग में गए, प्रयाग से चले गए कहाँ, कौन सा? अरे वो जो मंदिर जो है, अरे आसाम में थे, क्या बोल रही हो? आसाम में तो वो तो गए थे, क्या बोले जन शर्मा, ये नहीं गुप्त कुमार की कथा जो हम श्रवन कर रहे हैं। अरे जगन्नाथपुरी, हट जगन्नाथपुरी में तो बाद में गए, वो राजा बन गए ना, क्या बोले, अरे अनंत पद्मनाभ, अनंत पद्मनाभ पे गए, फिर राजा बन गया उधर, लंबी कथा है ना है। फिर उस स्थान को छोड़ करके फिर जगन्नाथपुरी गए है, हाँ समझे, जगन्नाथपुरी में जाकर के फिर उनके एक समय उनके गुरुदेव एक बार दर्शन दिया था है। फिर जगन्नाथपुरी में कहाँ चले गए? स्वर्गलोक में गए है, इंद्र बन गया है। ऐसे करते करते सर्वत्र जो है भ्रमण कर दिया। तो अपने सारे इतिहास को बताया है, वैकुंठ तक भी पहुंच गए। वैकुंठ में जब पहुंचे वही उनके गुरु नारायण स्वयं कहने लगे, मैं ही तुम्हारी गुरु था है। उनके सारे तत्व बताया कि नहीं है।
तो ये समस्त तत्व बताया गया। तो यहाँ पर एक खटका लगता है, आप थोड़ा गैर से ध्यान से पढ़ो। तो वैकुंठ में जब गोप कुमार पहुँचे, वो स्वयं भगवान नारायण उनके बताया, ये गोप कुमार पता है मैं ही तुम्हारी गुरु था, मैं ही तुम्हारे मंत्र दिया था, है दिया कि नहीं दिया, उन्होंने कहा सारी है। तो यहाँ पर नारायण तत्व है, किंतु उनके स्वरूप स्वरूप क्या था, ब्रज का गोप। तो यहाँ पर कहीं कहीं शब्द जो आता है जी, गुरु में ये रस हो तो वो रस है, ये मेरा थोड़ा बहुत ये होता है विचार में, थोड़ा लगता है कुछ ये है तत्व विचार क्या है, जैसे है भगवान तो एक ही है, और गुरु के कहा जाता है क्या, भगवान की साक्षात मूर्त विग्रह कहा जाता है, साक्षाधरित्रेण समस्त शास्त्री रुक्त सतभाव बतैव सदिवि किंतु प्रभुर्ज प्रियव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम है। बहुत कुछ है, ज़्यादा बोले तो आप संग समय पड़ जाओगे, किंतु यहाँ पर तो वो उद्गार है, वो नारायण संग कहने लगे गोप कुमार को, मैं ही तुम्हारी गुरु था है। और नारायण तत्व जो होता है तत्व विचार में, रस विचार तत्व विचार में नारायण क्या तत्व होता है तो भगवत साक्षात है, वैकुंठ में होता है, समय हो गया, वैकुंठ में क्या होता है, शांत प्रधान और दास रहता है, और गोपकुमार के भी गोपकुमार के सक्करस है, है? फिर वहीं से वो चले गए रामलोक, रामलोक में चले गए आगे है? ये समस्त वर्णन है गुर प्रेमानंदी। हरि ओ हरि ओ।